So let's begin with our next topic, that is phenotypic and genotypic ratio of मानव हेल्थ ग्राफ। तो हमें एक बार आपको बताऊंगा कि हमने क्या लिया था। वी हैड टेकन अ कैपिटल टी वाज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी, दैट वाज टॉल वाज क्रॉस्ड विद अ डॉग, प्योर, या हम बोलेंगे इसको ट्रू ब्रीडिंग। एंड द गैमेट्स वी हैव फॉर्मड बाय द कैपिटल टी एंड द कैपिटल टी, देन वी हैव स्मॉल टी, एंड देयर वाज द फ्यूजन, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस F1 जनरेशन, ये जो पूरी F1 जनरेशन थी, इट वॉज हाइब्रिड थॉट। अब ये चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है अबाउट इट। उसके बाद इसको हमने एलो किया था, इस जनरेशन को, F1 जनरेशन को, सेल्फिंग के लिए। जब हमने सेल्फिंग के लिए एलो किया था, वी हैव कैपिटल टी स्मॉल टी वॉज क्रॉस्ड विद कैपिटल टी स्मॉल टी, देयर वॉज अगेन गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल टी देन स्मॉल टी देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एंड देयर वॉज द फ्यूजन, दिस वॉज कैपिटल टी, इट वॉज वॉट टॉल, देन वी हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इट वॉज हाइब्रिड टॉल, देन अगेन वी हैव अ कैपिटल टी स्मॉल टी, इट वॉज अगेन हाइब्रिड टॉल, देन वी हैव अ small t, it was top. Now this obtained we have is F2 generation. तो F2 generation की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो हमारे पास parents जो express हो गए, offspring जो आ गए हमारे पास, that was pure tall, then we have a hybrid tall, then after we have a pure dwarf. तो ये चीज हमने देखी। अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो बेस्ट थिंग वी कैन यूज द पिनेट स्केयर्स, आरसी पिनेट स्केयर्स कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपने गैमेट फॉर्मेशन की, तो आप पिनेट स्केयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन हैव अ पिनेट स्केयर्स एज वेल, आप पिनेट स्केयर्स का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पिनेट स्केयर्स हम किसके लिए, आरसी पिनेट ने दिए थे, हम इसके लिए किसके लिए पिनेट स्केयर्स का इस्तेमाल करते हैं, टू एनालाइज, to have a numerical analysis of the Grigor-John Mendel's crosses, numerical number based. जैसे हम एक साइड से क्या लेंगे, देखो बेटा, एक साइड से हम क्या ले सकते हैं, एक साइड से आप ले सकते हो this capital T and small t, तो आपने लिया एक साइड से capital T and small t, और दूसरे साइड से भी आप ले सकते हो capital T and small t, तो आपने लिया capital T and small t, तो उसके बाद आप देख रहे हो ये capital T, आपने इस capital T के साथ क्रॉस कराया, तो हमारे पास आया कैपिटल टी। उसके बाद इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, हमारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इजंट इट। उसके बाद इस स्मॉल टी को इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, देन वी हैव अ स्मॉल टी इजंट इट। सो दीज वर कॉल्ड एज पिनेट स्केयर्स, व्हाट वर दे कॉल्ड एज, पिनेट स्केयर्स। और ये किसने दिए थे पिनेट स्केयर्स, आर सी पिनेट ने, किसने दिए थे बेटा, और इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ ग्रीगर जॉन मेंडल क्रॉसेस। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ ये क्या है, ये प्योर टॉल है, इट्स अ पीटी प्योर टॉल, isn't it? It's also PT, that's a pure tall. Sorry, hybrid tall, it's HT. Hybrid tall. It's also HT, that's a hybrid tall. What will be this? Pure dog. PD, that's a pure dog. तो जब हमने numerical analysis की, ठीक है ना बेटा? Numerical analysis means the analysis which is based on the numbers. जैसे हम देखते हैं ना phenotypic ratio. If we take a phenotypic ratio, आप मानो हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो आप देखो कि F1 जनरेशन में तो सारे क्या थे, हाइब्रिड टॉल ही थे, तो हम निकाल सकते हैं F2 जनरेशन की व्हाट, फेनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो। हम तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे हाइब्रिड टॉल है F1 जनरेशन में। F2 में क्या हमारे पास है, अगर आप फेनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, दैट मीन्स विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस,
तो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे मुझे बता यहाँ पे कितने टॉल है, हाउ मेनी आर टॉल हियर ऑन द बेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, थ्री, सो वी कैन से दैट विल बी थ्री इज टू, हाउ मेनी आर टॉल, दैट विल बी थ्री इज टू वन, देन थ्री आर व्हाट यू कॉल टॉल एंड वन इज ए डॉल, और ये हमारे पास बन जाता है कौन सा रेशो बेटा, दिस इज अ फिनोटाइपिक रेशो, थ्री इज टू वन इज द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम जीनोटाइपिक रेशो की बात करेंगे, अगर हम आ जाएंगे किसमें, जीनोटाइपिक रेशो की बात करेंगे, तो दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, जीन्स। तो मुझे बता कैपिटल टी टी वाले कितने मिलेंगे आपको, ट्यूबर टॉल कितने मिलेंगे, एक, तो हम बोलेंगे वन, हाइब्रिड टॉल कितने मिलेंगे आपको, दो, तो हमारे पास कैपिटल टी कॉम्बिनेशन एक ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन कितने, दो है, तो हम बोलेंगे दो, और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन कितनी है, वन, सो इट विल बी वन इज टू टू इज टू वन, दिस वन विल बी प्योर टॉल, दिस टू विल बी हाइब्रिड टॉल एंड दिस वन विल बी प्योर टॉल, एंड विच रेशियो विल बी, इट विल बी अ जीनोटाइपिक रेशियो। तो इजीली कर सकते हो ना आप जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो, मोर इजी टू अंडरस्टैंड इट, इजंट इट। तो आप बोलोगे कि हमारे पास जो F2 जनरेशन आ गई, उस टू F2 जनरेशन की जब हमने पिनेट स्कैर्स बनाए, उसके अंदर थ्रू हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं आर सी पिनेट के थ्रू, पिनेट स्कैर्स के थ्रू जो आर सी पिनेट ने दिए थे, तो हमने बोला फिनोटाइपिक रेशियो हमारे पास तीन टाल आ जाते फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, तीन तो टाल है, एक डॉफ है, तो थ्री टू वन हो गया रेशियो। लेकिन जब हमने जीन्स के बेस पे रेशियो निकाला, तो जीन्स के बेस पे हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन थी, एक थी कैपिटल टी तो हमने वन लिखा, दो थी कैपिटल टी स्मॉल टी तो हमने टू लिखा, और एक थी हमारे पास स्मॉल टी स्मॉल तो हमने वन लिखा, दिस विल बी कॉल्ड एज जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो हमने किसकी निकाली, F2 जनरेशन की हमने यहाँ पे निकाली, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता मुझे बताओ। आगे चलते फिर F जनरेशन का किस लिए निकालना है मुझे बताओ, जब सारे हाइब्रिड टॉल है, इसमें तो सारे एक ही है ना, हाइब्रिड टॉल, ऑल आर हाइब्रिड टॉल, there is no need to have a, so if you somebody asks you what will be the phenotypic ratio here, so you can say the all are what, hybrid tall, isn't it, so all are hybrid tall, all four are hybrid tall, isn't it, if this is what is a genotypic ratio, that means all has same genotypic ratio, so there is nobody can need to understand these things. ab jo nikalna hai aapko wo kiska nikal sakte ho, F2 generation, kyunki usme different type ke offspring aapko milte hain, theek hai, यहां तक कोई कंफ्यूजन, आगे चलते फिर। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज अ बैक क्रॉस, हाईलाइट करो बैक क्रॉस को, बैक क्रॉस का कौन विस्तार डिफाइन कर सकते हो आप, हम बैक क्रॉस किसको बोल सकते हैं, व्हाट विल बी बैक क्रॉस, अब मैं चीजें क्यों बता रहा हूं, ये तो वैलिडेट करती है ना चीजों को, ये चीजें तो अंडरस्टैंड कर लिया, ये चीजें तो ठीक, वो तो आप बाकी चीजें तो खुद भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट, what is meant by back cross, back cross ko kya bolenge, main yahan pe samjhaunga pehle back cross ko, baad mein hum isko definition bhi de denge, agar hamare paas ye monohybrid cross hai, capital t cross it with small t, then we have the gamete formation, that was capital t, then again a capital t small t, then again a small t, there was the fusion, this was capital T and small t, all progeny was hybrid tall, isn't it, yes sir, sari jo progeny thi wo kya thi, hybrid tall, ye hamare paas thi f1 generation, dekho beta back cross hum kisko bolenge,
Back cross means if F1 generation of the organism is crossed back with either of the parent. With either of the parent. Either with a tall or with a dog. अगर हमने इसको क्रॉस करा then that cross will be called as back cross. What will be called cross called as back cross. So हमने क्या बोला if F1 generation organism is crossed back with either of the parent, either what tall or a dwarf, then the cross will be called as back cross. So हम लिखेंगे definition. If F1 generation organism is इसको क्या हो गई चल रहा है ये कब हो गया इसको